हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर अभी तक आपने SSL नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब लाइक तो कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट। जितने भी तरह के टेस्ट किए जाते हैं तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला टेस्ट है क्रिसिंग टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। CTM मशीन से किया जाता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। और इस टेस्ट के अंदर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कैसे किया जाता है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। मान लीजिए ये कोई ब्रेक हो गई है और इस पे हम लोग लोड लगा रहे हैं धीमे, तो इस लोड को कैसे लगाना है? धीमे धीमे बढ़ाना है इसको। पहले 1 किलोन्यूटन, फिर 2 किलोन्यूटन, फिर 3 किलोन्यूटन। तो ये हो गई है ग्रेजुअल लोडिंग। और जो रेट ऑफ लोडिंग है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 किलोन्यूटन बढ़ रहा है तो अगले सेकंड में भी वो 1 किलोन्यूटन ही बढ़ना चाहिए। तो जो हमारा मटेरियल है वो कितना रजिस्ट कर रहा है वो ग्रेजुअल लोडिंग को, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। और दूसरा टेस्ट है इम्पैक्ट टेस्ट, फाइंड टफनेस। इस टेस्ट से हम लोग टफनेस फाइंड आउट करते हैं। टफनेस क्या होती है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग। ये जो लोड है, अब हम लोगों ने इतने ऊपर से इसके ऊपर गिराया, फॉल किया, तो ये ब्रिक उस लोड को कब तक बियर कर सकती है, सहन कर सकती है बिना फेल हुए, बिना मतलब टूटे हुए। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग, तो ये उसकी टफनेस कहलाती है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्रिसिंग टेस्ट किसको फाइंड आउट करने के लिए लिख देगा क्रिसिंग टेस्ट टफनेस, तो ये गलत हो जाएगा। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब्रेशन टेस्ट, मेजर वियर एंड टीयर, लॉस एंजलिस मशीन से किया जाता है। इसमें एक मशीन होती है, उसमें बॉल्स डली होती हैं, उसमें एग्रीगेट भर देंगे और उस मशीन को घुमा देंगे तो कुछ राउंड पर मिनट घूमती है। तो उससे वियर एंड टीयर, मतलब उसकी जो एग्रीगेट की सतह है, सरफेस, वो कितनी हार्ड है। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टीयर, मतलब मेजर वियर एंड टीयर, जितना उसका रेजिस्टेंस होगा वियर एंड टीयर का, उतना ही उसकी उसकी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल होगा। ओके, अगला टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट। इन दिस टेस्ट स्टडी रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन, ड्यूरेबिलिटी। साउंडनेस टेस्ट से हम लोग ड्यूरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी कितनी लाइफ है, वो कितने लंबे समय तक चल सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन, मतलब वो उस वेदरिंग एक्शन एनवायरमेंटल के प्रति कितना वो स्ट्रांग है, जिससे कि वो उसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा लाइफ होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी। साउंडनेस टेस्ट से हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं। अगला टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 0.6 ऑफ द वेट ऑफ एग्रीगेट। 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक अच्छा एग्रीगेट आपको यूज़ करना है तो 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 100 ग्राम एग्रीगेट है तो 0.6% हो गया उसका 0.6 ग्राम, 1 ग्राम का 0.6। ओके, अगला टेस्ट है बिटुमन एडहीजन टेस्ट। सीधे इसका क्या है, सीधे बोलेगा टू फाइंड स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। स्ट्रिपिंग वैल्यू क्या होती है? स्ट्रिपिंग इज दैट सम एग्रीगेट हैव ग्रेटर एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर देन बिटुमन बाइंडर्स। हम लोगों ने बिटुमन एडिशन टेस्ट किया स्ट्रिपिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो स्ट्रिपिंग वैल्यू ये बता रही है कि कुछ जो एग्रीगेट होते हैं वो ग्रेटर एफिनिटी, मतलब ज़्यादा आकर्षण रखते हैं पानी के तरफ देन बिटुमन बाइंडर्स। बिटुमन बाइंडर्स की तरफ उनका मतलब आकर्षण कम होगा, मतलब एडिशन कम होगा और जो वाटर के साथ एडिशन ज़्यादा होगा। मान लीजिए बारिश हुई और तो जो हमारा एग्रीगेट है वो वाटर के साथ निकल जाएगा बह के, और बिटुमन बाइंडर्स के साथ उसका जो है एडिशन कम है, तो इसलिए हम लोग ये बिटुमन एडिशन टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।